प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आर्ट बाय सुमन गर्ग। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमन गर्ग फ्रॉम आर्ट बाय सुमन गर्ग। आज हम बनाएंगे टीचर्स डे पॉपअप कार्ड। फॉर टीचर्स डे पॉपअप कार्ड वी नीड सम मटेरियल। वी नीड शीट्स, एनी कलर शीट यू कैन टेक, एंड डिजाइनर शीट्स, डिजाइनर मटेरियल, जो भी आपके पास डेकोरेटिव मटेरियल अवेलेबल है आप ले सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स सीजर, कटिंग सीजर, नॉर्मल सीजर, 3D आउटलाइनर आई हैव टेकन फॉर डेकोरेशन। अगर आपके पास अवेलेबल है इट्स ओके, अदरवाइज आप ये ऑप्शन है आपकी मर्जी। अगर आपके पास जो भी डेकोरेटिव मटेरियल है आप ले सकते हैं। मैंने कटर्स लिए हैं ये, तो एनी डेकोरेटिव मटेरियल यू हैव यू कैन यूज। वी नीड स्केल, वी नीड फेविकॉल। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने A3 साइज की शीट ली है। इसमें मेरे को 12 एंड हाफ इंचेस मुझे चाहिए। हाफ इसकी मैंने लेंथ ली है। Now we will cut this area. Now I cut this. This 12.5 I will divide it in 4 parts. I will take 3 inches. I divide it in 4 parts. From down also I will do the same. ऊपर नीचे से आप इनको दोनों साइड से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 3 inches हेयर, 3 inches इस हेयर, एंड देन we make a line, straight line. Now from back side this is 6 inch. अब इसका साइज मैं इक्वल ले रही हूँ, ये 6 inches है, तो इसको 3 inches एंड 3 inches मैं ले रही हूँ बोथ साइड से। हम इसको एकदम सेंटर में से फोल्ड कर देंगे बाद में। 3 inches मैं इसको बीच में से डिवाइड कर रही हूँ। Now we will fold it like this. We have to make a box like this. Now, इसे हम यहां से कट कर लेंगे। We will cut it from here. Now I take the designer sheet and मुझे इसके
मुझे इसमें यहाँ पर अपने डिजाइनर शीट पेस्ट करनी है 8 पार्ट्स के लिए। मैं 2.7 इंच का साइज ले रही हूँ, 2.7 इंच स्क्वायर के 8 पार्ट्स। नाउ आई विल कट इट। Like this, I will take 8 parts of this sheet. Now, मैंने ये 8 pieces cut कर लिए हैं same designs के, and for this turn, this design, ये मैंने 4 pieces, 2.7 inches, 2.7 is this, 2.7 is this, 2.7 inches is this, 2.7 inches are this. So, मैं ये सब यहाँ पे अब like this, paste this, and from this side इस तरफ हम ये वाला डिजाइन, आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं अपनी चॉइस के। मैंने अपनी चॉइस के डिजाइन लिए हैं, मैं आपको पहले ये पेस्ट करके दिखा। नाउ आई पेस्ट इट ऑल, ये मैंने सारे पेस्ट कर दिए अच्छे से। नाउ वी विल पेस्ट दिस साइड, लुक दिस साइड, 1, 2, 3 and 4. 2.7 is the size of this card. I am cutting it from a designer scissor to give a little bit design. You can paste it like this, as it is. Now I paste it. Need these three strips. हमें चाहिए। इसका साइज है 3.5 लेंथ एंड हाफ इंच ब्रेथ। नाउ ये हम इसको इस तरह से पहले अपने बॉक्स को पेस्ट करेंगे। एंड देन दिस स्ट्रिप्स विल बी लाइक दिस। नाउ आई पेस्ट इट लाइक दिस। थ्री स्ट्रिप्स हमें इस तरह से पेस्ट करनी है। एंड व्हेन वी फोल्ड इट, it looks like this. Now, अब हमें ये बाहर का अपना एरिया डेकोरेट करना है। एंड वेन वी ओपन इट, यहाँ पे हमें अब डेकोरेशन लगानी है इसकी। Now, मैंने ये क्रॉप्स, थोड़े थोड़े क्रॉप्स बनाए हैं टीचर्स डे के रिलेटेड। आप अपनी चॉइस से कोई भी बना सकते हैं। ये सब मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस से सेम, या तो आप सेम भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। नाउ ये मैंने पेस्ट कर दिए। ये मैंने कप बनाए, यू आर बेस्ट, ये मैंने स्पेक्स बनाए हैं, सीजर,
स्मार्ट नंबर वन टीचर स्टार टीचर्स जैसे रिलेटेड आप कोई भी चीजें बना सकते हैं स्टूडेंट लाइफ से। यहाँ पे ये हैप्पी टीचर्स डे एंड नाउ मैं यहाँ पे डेकोरेशन कर रही हूँ। मैं ये लगा रही हूँ यहाँ पे ये आपका इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। ये हमारी फ्रंट साइड है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। अंदर से जब आप इसको ओपन करेंगे इट विल लुक लाइक दिस। देन यू विल लाइक दिस। नाउ वी विल डेकोरेट दिस। आई एम पुटिंग द स्टोन्स। मैंने डेकोरेट कर लिया है। इसमें मैंने स्टोन्स फ्लावर्स लगा लिए अपने अकॉर्डिंग। मैंने अंदर हैप्पी टीचर्स डे लिखा था इसलिए मैंने बाहर नहीं लिखा। आप चाहते तो दोनों तरफ भी लिख सकते हैं या एक साइड भी लिख सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर विश। आप यहाँ पे हैंडमेड फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रेडीमेड फ्लावर्स ही यहाँ पे लगाएं। इट्स अकॉर्डिंग टू योर अवेबिलिटी। नाउ सी